योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि ने हमको और आपको बताया है ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल विजडम मैनिफेस्टेड विद द यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है या यूनिवर्सल विजडम क्या है? यूनिवर्सल विजडम परमेश्वर के वो योगिक लॉज हैं जो उसने हमको और आपको जीवन गुजारने के लिए दिए हैं। ये तो इंसान की फ्री विल है जो उसको चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। हमने इसको अभी तक अपने मानव हिस्ट्री में हमने जो है वो इसको अपने जीवन में जगह नहीं दी, बल्कि हमने जो है वो योगिक सिस्टम ऑफ लाइफ को ऐसे उतार के फेंका जैसे सांप अपनी केंचली को उतार के फेंक देता है और नई स्किन चबा लेता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ यह है कि हर इंसान, जो भी इंसान पैदा हुआ है, वो इंसान भरपेट सोए, उसकी ज़रूरतें, लाइफ सस्टेनिंग सारे रिसोर्सेज उसके पास मिलने चाहिए। उन लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए वो किसी का मोहताज ना हो, उसको जहाँ से भूख लगे वो वहाँ से खाना खा ले, पानी पी ले, अपने बच्चों को भरपेट जो है वो खाना खिलाए, उनको जितनी ज़रूरत है इलाज की उतना ज़रूरत इलाज ज़रूरत के मुताबिक उनको दे दे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ आज दुनिया में मौजूद है? क्या गलियों में हमारे जो है वो बहुत सी औरतें, बहुत से बच्चे, बहुत से बूढ़े, बहुत से लोग शोक में नहीं रहते? क्या वो अंदर ही अंदर अपने जीवन में घुटते नहीं हैं कि उनके साथ, उनके जीवन के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने मैन मेड लॉज को अपने जीवन में जगह दे रखी है। योगिक लॉज को अपने जीवन में जगह दीजिए और फ्रीडम पाइए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग संडे का हमारा प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन होता है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक अपने दोस्तों और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अपने सर्किल में इसको शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, ताकि हमको जो है वो योगिक लॉज के बारे में मालूम चल जाए, ताकि यूनिवर्सल ट्रुथ हमें हासिल हो जाए उस यूनिवर्सल विजडम के साथ जो कि हमको योग के रूप में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।